इसकी बनती है, ये असल में अजमेर का नक्शा, अजमेर शरीफ का, अजमेर का जो गुंबद है ना और उसका नक्शा, और उसके नक्शे उसका वजह से इस डिज़ाइन का गुंबद अजमेर के दरबार है ना उस पे है, तो उसके नक्शे का ये टोपी बनाते हैं और मार्केटों में बेचते हैं। अच्छा, पहली बार। दूसरी बार इसमें या मोहम्मद लिखा, मुसलमान है भैया, अल्लाह पढ़ के मेरी मोहम्मद रसूल, या अल्लाह का माने हमने अल्लाह को पुकारा। अब बंदा अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार कर कुछ चाहता है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारते, बल्कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे रसूल हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इकरार करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, कोई खैर चाहिए, भलाई चाहिए तो उसके लिए पुकारते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद चाहिए कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद चाहिए कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउ दुआ। और इसी तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, समंदर के अंधेरे में गए तो क्या कहा, वनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में से पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, तो या अल्लाह कह के हम अल्लाह को पुकारते हैं। सारे नबियों ने पुकारा है, सारे सहाबा ने पुकारा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पुकारा है, जब भी ज़रूरत पड़ी है अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा है, बदर के मैदान में पुकारा है, अपने घर में बैठे हैं वहाँ पुकारा है, है नहीं, सफ़ा पहाड़ी पर पुकारा है, मरवा पर पुकारा है, तवाफ़ करते हुए पुकारा है, जहाँ कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत पड़ी अल्लाह को पुकारा है। क्यों? अल्लाह को पुकार के अल्लाह से मदद मांगी। लेकिन या मोहम्मद कह के हम क्या कहना चाह रहे हैं, या मोहम्मद क्या मतलब, ये तो बेअदबी है। हम कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। रसूल का क्या काम है, कैसे अल्लाह को पुकारना है, वैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह को पुकारेंगे। अरे पुकारना इबादत है, इबादत अल्लाह की होगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर होगा, है ना, नमाज अल्लाह की इबादत है और तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, है कि नहीं, जो भी इबादत है वो अल्लाह के लिए और तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम कहेंगे मोहम्मद और रसूलुल्लाह, या मोहम्मद क्या होता है, तो बेअदबी है। अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद के अंदर, कहा कि ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बादकुम बादा, तुम जैसे एक दूसरे को आपस में बुलाते हो वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बुलाओ, तो लोग आते थे घर के पास, कहते या मोहम्मद ऐसे पुकारते थे, तो अल्लाह ने कहा ऐसे ना पुकारो, या रसूलुल्लाह कहो, या नबीउल्लाह कहो, ऐ अल्लाह के रसूल कहो, मैं चेक हो यार मना कर दिया ना, ऐसे कहो, ये अदब सिखाया अल्लाह रब्बुल आलमीन। चलिए अब एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ, बहुत बुखारी बुखारी करते हैं लोग, इमाम बुखारी ने एक ही हदीस की किताब नहीं लिखी भाई, बुखारी और भी किताबें लिखी है, यह अल अदबुल मुफरद, इमाम बुखारी की छापा भी सऊदीया ने है यार, ये बड़ी ट्रेजडी है कि छापते पूरे यही लोग, हिंदुस्तान में तो उर्दू किताबें देखते हैं हम लोग, अरबी तो इन्हीं से लेना पड़ता है। इमाम बुखारी की, अब्दुल्ला बिन बाज मुफ्ती आजम सऊदीया अरबिया जो थे, अभी अभी इंतकाल हुआ, नाबीना थे आंखों से, उनका कुतुब खाना था, उन्हीं के कुतुब खाने थे, मुफ्ती आजम सऊदी अरबिया के कुतुब खाने थे छपी, उन्हीं के नाम पे ये मकतब बाज जो कुतुब खाना है वहां से छपी किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। इस अदबुल मुफर्रत के अंदर इमाम बुखारी सफा नंबर 217 हदीस नंबर 990। अब आइए जरा, बाप कायम किया, बाप क्या होता है पता है आपको, इंग्लिश में कहते हैं चैप्टर, इंग्लिश में क्या कहा जाता है चैप्टर, साइड हेडिंग, बाप का नाम
मा यकूलुर रजुलुन इजा खदिरत रजुलो, क्या कहे वो शख्स, तर्जमा सुने, क्या कहे वो शख्स जब उसका पैर सुन हो जाए। पैर सुन होना जिसको कहते हैं फालिज मारना, फालिज मार दे तो पैर हिलता डुलता नहीं है, जहां है बस पड़ा है, चुमटी लो एहसास नहीं होता, सुई चुभाओ एहसास नहीं होता, आदमी चलता फिरता नहीं है। इमाम बुखारी क्या कहते, क्या कहे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए। अब बाप क्या होता है, हदीस नहीं होती, हदीस के दो हिस्से होते हैं बुनियादी, थोड़ी इस्तलाह भी चीजें सीखे भाई, क्लिपे तो मैं दिखाऊंगा आज 12 भी बजेंगे तो दिखाएंगे फिर इंशाल्लाह, क्लिप देखना तो वो भी देखेंगे हम, लेकिन थोड़ी इल्म की बात भी तो सुनो यार। हदीस के दो बुनियादी हिस्से, एक होता है हदीस का हिस्सा मतन, उसको मतन कहा जाता है, एक इसनाद। इसनाद क्या होती है, सनद, सनद रावियों के नाम आते हैं जो उसके रिवायत, अनफुला 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 अनफुला, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने उनसे, इसको कहा जाता है सनद। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब ये जो यहां से शुरू हुआ अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुछ फरमाया ये चीज कहलाती है मतन। इसनाद हदीस नहीं होती, मतन हदीस नहीं होती, मतन हदीस होता है, माफ कीजिएगा, इसनाद हदीस नहीं होती। हदीस क्या होती है, जिसमें नबी का फेल बयान किया जाए, नबी का कौल बयान किया जाए, या नबी का खामोश रहना सुकूत रहना बयान किया जाए। हदीस कौली फेली, हदीस तकरीरी, या हदीस सुकूती, तीन हदीस की किस्में। और बाब क्या होता है, मुहद्दिस का अकीदा होता है, जो अकीदा मुहद्दिस का होता है, जो लिखने वाला है उस हदीस की किताब का, वो पहले एक बाब लिखता है, अब बताता है कि ये मेरा अकीदा है, और उस अकीदे की दलील क्या है, उस अकीदे की दलील ये हदीस है जो उसके नीचे मैं ला रहा हूं। तो बाब अकीदा, तो मुहद्दिस का अकीदा बाब, चैप्टर मुहद्दिस का अकीदा, तो इमाम बुखारी का अकीदा क्या, लोगों मेरा अकीदा ये है कि जब तुम्हारा पैर सुन हो जाए तो तुम्हें इलाज क्या करना चाहिए, आओ मैं तुम्हें इलाज दे रहा हूं। अब इमाम बुखारी इलाज दे रहे हैं, जरा सुनिए क्या इलाज दे रहे हैं, कहते इलाज ये कि हद्दसना अबू नुएम, इलाज हमें बताया इमाम अबू नुएम ने, हद्दसना सुफियान अन अबी साकिन, इलाज उन्होंने बताया, हजरत सुना उन्होंने अबी साक से, अन अब्दुर्रहमान बिन सादिन, और अब्दुर्रहमान बिन साद इसको रिवायत करते, काल वो कहते हैं खदीरत रजुलु इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलील कद्र सहाबी बेटे हैं, गजवाए ओहद में भी शरीक थे, मुतअद्दिद गजवात में शरीक रहे, जलील कद्र सहाबी, अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसों के लिखने वाले, सबसे ज्यादा हदीसों के बयान करने वाले, अमरुल मोमिनीन फारूक आजम के सबसे चहीते बेटे, रसूलुल्लाह के जलील कद्र सहाबी। रावी कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का पैर सुन हो गया, फालिद मार दिया पैर ने, हिलता डुलता नहीं था, चल फिर नहीं सकते थे। फ़क़ाला लहू रजुलुन, एक शख्स उनके पास आया, आने वाला शख्स भी सहाबी है, और उस शख्स ने आकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, अस्कुर हब्बन नास इलैका, उस शख्स को पुकारिए, उस जात को निदा दीजिए, उससे इस्तगासा कीजिए, उससे मदद तलब कीजिए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जो उसको सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा, हदीस के अल्फाज है, फ़क़ाला या मुहम्मद, उन्होंने निदा की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कीजिए। या हुर्फे निदा और इस्तगासा के लिए आता है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया, या जब अरबी में आता है तो उसका मतलब होता है मदद, ये अरबी का कायदा है, या अल्लाह कहते हैं, अल्लाह मदद, या के मायने ही मदद, हुर्फे निदा, निदा देना मदद के लिए, या अल्लाह अल्लाह मदद, या मोहम्मद, ए मोहम्मद मदद। रावी कहते उन्होंने पुकारा और पैर ऐसा अच्छा हुआ जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं था। इमाम बुखारी ने लाया और इमाम बुखारी ने बताया, देखो इलाज बता रहा हूं मैं, और ये या मोहम्मद कहना अल्लाह के रसूल की इबादत, या रसूलल्लाह कहना अल्लाह के रसूल की इबादत, या अली कहना अली की इबादत, और इबादत गैरुल्लाह की शिर्क है, खुदा के लिए शिर्क से बास आ जाए, ये साहबी सब मुशरिक थे, तुम एक तौहीद के ठेकेदार बने फिर रहे हो। आइए इस हदीस को और किन किन लोगों ने लिखा सुन लीजिए, सबसे पहले सुन ले, बाद रिवायतों में या मोहम्मद अभी आया, ये भी अर्ज कर दूं। इस हदीस के बारे में इमाम मुंजरी ने
اسماء رجال کے امام جرا و تعدیل کے امام الترغیب و ترہیب میں فرمایا والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے بھائی حدیث. امام ابن سعد نے الطبقات جل نمبر 4 صفحہ 154 پر اس حدیث کو لکھا. امام قاضی عیاض نے الشفا جل نمبر 2 صفحہ 23 پر لکھا. امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض جل 3 صفحہ 355 پر لکھا. اور امام نووی نے جو مسلم شریف کے شارح ہیں، مسلم کی شرح بڑی مشہور جس کو سعودیہ بھی چھاپتا ہے، امام نووی نے الاذکار جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر صفحہ 271 پر لکھا. اور امام محمد بن محمد جذری شافعی جو ابن تیمیہ کے شیخوں میں ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے استادوں میں ہیں، امام محمد بن محمد جذری شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے الحسن والحسین صفحہ 30 پر اس حدیث کو لکھا. اور آئیے کتاب جو